इस वीडियो में हम बात करने वाले दो टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे इंडियन वेपन के एक्सपोर्ट को लेकर बात करेंगे। तो जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई पे है, और जो एक प्रयास है 2025 तक $5 बिलियन के एक्सपोर्ट को अचीव करने का, वो भी अचीव करने के लिए MOD द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है तो वो भारत का प्राइम फोकस है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो या फिर जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, सोशल एक्टिविटी है, उन सब में भारत ऑलरेडी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने वाली है। और हाल ही में उसको टारगेट करने के लिए कई सारे जो वेपन प्लेटफॉर्म है वो शोकेस किए गए थे भारत के द्वारा इंडिया अफ्रीका ज्वाइंट एक्सरसाइज के टाइम पे, एफइंडेक्स के टाइम पे। सो अभी जो भारत द्वारा निर्मित इक्विपमेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट, वो कुछ कंट्री जैसे इजिप्ट हो गया, अल्जीरिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, केन्या, लीबिया हो गया, सूडान हो गया, और जो साउथ अफ्रीकन जैसे कंट्रीज है उनको टारगेट कर रही है MOD। और हाल ही में जो एक मिलिट्री कमांडर की मीटिंग है वो भी कंडक्ट की गई थी MOD के द्वारा। तो यहाँ पे कहीं के जो वेपन प्लेटफॉर्म है जिसको लेके भारत टारगेट कर रहा है वो आकाश मिसाइल सिस्टम हो गए, पिनाका रॉकेट हो गया, जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो देख के जा रहे एक्सपोर्ट के लिए, स्मॉल आर्म्स हो गए, ऑफशोर पेट्रोल वेसल हो गए, और जो लोइटरिंग म्यूनिशन है उसका भी एक्सपोर्ट देखा जा रहा है। यहाँ पे जो की डेवलपमेंट है वो एक पॉसिबिलिटी है कि जो पहला एक्सपोर्ट है भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का, प्रचंड का, वो नाइजीरिया को किया जा सकता है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर होंगे वो चीज अननोन है। ऑलरेडी भारत जो एक लाइन ऑफ क्रेडिट है वो ऑफर कर चुका है, और कुछ जो ऑफिशियल्स है, तकरीबन 6 जो ऑफिशियल्स है, वो ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं HAL द्वारा, जो कि इस तरह के सेटअप को फ्लाई कर पाएंगे, चाहे वो चेतक हो या फिर ALH ध्रुव हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नाइजीरिया के लिए जो LCH है उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखा जा रहा है, यहाँ पे HAL के प्रोडक्ट को कवर कर ही रहे हैं। तो एक और जो डेवलपमेंट है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर Mk3 को लेके, वो यहाँ पे ये है कि हाल ही में इसको एक क्रैश लैंडिंग के बाद, बीच लैंडिंग के बाद ग्राउंडेड कर दिया गया था ALH Mk3 के पूरे फ्लीट को। तो यहाँ पे नया डेवलपमेंट ये है कि जो Mk3 की उड़ान है वो दोबारा से शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पे जो भी रेक्टिफिकेशन के काम किए गए हैं उसमें कोई जो बड़ा इशू है वो सामने नहीं है। इनिशियल रिपोर्ट में ये मेंशन है कि ये दो फेलियर मार्च में हुए थे, वो कंट्रोल सिस्टम के फेल होने की वजह से हुए थे, और उसके पीछे जो कारण था वो लैक ऑफ मेंटेनेंस था, और जो एक इम्प्रॉपर फिटमेंट है वॉशर का वो भी मेंशन किया गया है। तो जो चीज़ पहले मीडिया रिपोर्ट में मेंशन की गई थी कि मेजर डिजाइन को लेकर फॉल्ट हो सकता है, वैसे कोई चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है। और वैसे भी अगर आप ALH का क्रैश रेशियो देखोगे तो जो सिमिलर कॉन्टेम्प्रेरी एयरक्राफ्ट है उसका कंपैरिजन काफ़ी कम है। यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो 5 से 6 इंसिडेंट का है 1 लाख फ्लाइंग आर पे, जो कि कह सकते हो रीजनेबल है। ये चीज पहले हायर थी जो कि 10 इंसिडेंट के अराउंड थी पर 1 लाख आर फ्लाइट पे। तो यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिला है, जल्दी जो पूरी फ्लीट है वो ऑपरेशनल दिखेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।